Welcome to this section. This is going to be a new lecture series on redox reactions from our side. Okay, so let us start redox reactions. See, redox reaction is basically a very short and brief unit based on a particular type of reaction which are called as redox reactions. A brief introduction about redox reactions is that redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously. तो आप कह सकते हो वो reactions जिनमें reduction और oxidation जो है simultaneously हो जाती है, that is called as redox reactions. So if I am analyzing it, I'll be analyzing it like this way. Okay, let me just see how it will work. Okay. So now oxidation and reduction takes place simultaneously. Reduction occurs simultaneously. So I am saying कि उन reactions को redox reactions कहते हैं जिन reactions में reduction और oxidation एक साथ होती है, एक ही reaction में दोनों चीज़ें हो जाती हैं. Those are called as redox reactions. But इस यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड आउट द रिडॉक्स रिएक्शंस इन अ वेरी स्पेशल मैनर, इन फैक्ट इन अ वेरी सोफेस्टिकेटेड मैनर. सो लेट अस फर्स्ट रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सी, दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर. सो वट इज ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ वी डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, that will be the main portion we are going to cover in this particular lecture. Okay, so let us start with oxidation number. So what is basically oxidation number? Oxidation number simply means charge. We can say that oxidation number is the charge which an atom of element first definition देख लेते हैं, which atom and element has its own or appears to have when present in combined state. तो क्या होता है कि एक element अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, देखो कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट से ही बनता है, ठीक है ना. तो अगर एक एटम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उस एटम पर कितना चार्ज वहाँ पे है. अब वो चार्ज वहाँ पे रियलिटी में भी हो सकता है या वो चार्ज सिर्फ आपको दिखेगा कि वो चार्ज वहाँ पे है, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट. से फॉर एग्जाम्पल CH4, दिस इज अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज मीथेन. अब इसमें अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है, सपोज कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है मतलब क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन मीन्स कि कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, इस पूरे कंपाउंड में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है ना. देखो कैसे कुछ लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अगर इस कंपाउंड में से सारे एटम्स को हटा दिया जाए, सारे एटम्स को सेपरेट किया जाए, तोड़ लिया जाए, अलग अलग रखा जाए, तो एक एक एटम पर कितना चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर. सो ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स द चार्ज. सो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज which an atom appears to have when all other atoms are removed. This is a fundamental concept कि अगर इसमें आपको define करना है, say for example CH4 में carbon का oxidation number आपको define करना है, तो मतलब सारे hydrogens को separate कर लो, निकाल लो सारे हाइड्रोजन्स को, तो जो भी कार्बन के ऊपर चार्ज बचेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, राइट. जैसे
मैं इस कंपाउंड में आपको बता दूं, CH4 है फॉर एग्जांपल आपके पास CH4, क्या करना है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का निकालना है। आप क्या करो, सारे हाइड्रोजन एटम्स को निकाल दो। आपको पता है हाइड्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। अगर हाइड्रोजन निकलेगा बाहर तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास रहेगा। यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। हम कर रहे हैं ना, वही रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन्स को। तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, तो कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आ गया। यही हो गया कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कहिए या इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, बात एक ही है। सो कितना चार्ज किसी एक एटम के ऊपर आएगा जब आप उसमें से क्या करेंगे, सारे एटम्स, जब आप उस कंपाउंड में से सारे एटम्स को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। लेट अस से कि मैं कुछ और एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल आई एम शेयरिंग द एग्जांपल ऑफ CH3 सपोज। अब इस कंपाउंड का आप देख लो, एक तीन साइड से इसके सीएल्स हैं और एक साइड से इसका हाइड्रोजन है ना, इस साइड से इसका हाइड्रोजन है, सॉरी। अब होगा क्या, एक मिनट, लेट मी शो हाउ हाउ दिस इज वर्किंग। वी मेक एन हाइड्रोजन हियर, हियर वी हैव अ हाइड्रोजन। सो व्हाट हैपन्स कि अगर सारे एटम्स को निकाल दिया जाए, इस क्लोरीन को हटा दीजिए, इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, इस हाइड्रोजन क्लोरीन को हटा दीजिए, इस क्लोरीन को हटाइए। लेकिन जब आप क्लोरीन को हटाओगे क्या होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जब हाइड्रोजन निकलेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन, क्लोरीन की वजह से कार्बन पे आएगा +1, ओके। इस वाले क्लोरीन की वजह से भी आएगा +1, इस वाले क्लोरीन की वजह से भी आएगा +1, और इस हाइड्रोजन की वजह से आएगा -1। तो ये हो गया +3 -1। तो इस वाले कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अगर HCl देखोगे, मान लो आपको निकालना है क्लोरीन का ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को हटा दीजिए। हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो H पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। क्लोरीन पर कितना चार्ज आया, -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, और हाइड्रोजन पर क्या आया, +1, ठीक है ना। तो सिंपली आप कह सकते हो कि नॉमिनल चार्ज है ये, या आप यूं कह लो कि ये फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, जो बस एक ना आप थेरिटिकली या हाइपोथेटिकली डिफाइन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, H2S है आपके पास, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सल्फर में देखिए, H इस साइड पे, H इस साइड से है, तो अगर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। हाइड्रोजन सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर को अपने इलेक्ट्रॉन सौंप देगा, ये भी इसकी वजह से आएगा -1, इसकी वजह से आएगा -1। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -1 -1, दैट इज -2, ठीक है ना। सिंपल है, कोई ख़तरनाक सी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा देखना है कैसे। जैसे मैं NH3 की एग्जांपल बता दूं आपको, अमोनिया की, नाइट्रोजन साथ में तीन हाइड्रोजन्स हैं, तो करना क्या है बेटा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हाइड्रोजन्स को बाहर कर दो। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा नाइट्रोजन के लिए, और क्या करेगा, तो इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, तो टोटल चार्ज -3 है ना। अच्छा, हाइड्रोजन का क्या आएगा, इस वाले हाइड्रोजन का +1 आएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसका भी आएगा +1, और इस वाले का भी +1 आएगा, जैसे यहाँ पर भी +1 और +1, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, अब बस थोड़ा सा फोकस करो इसमें, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और Na2 से फॉर एग्जांपल S2O3 की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, स्ट्रक्चर अगर आप नहीं जानते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। सोडियम ये जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, जब सोडियम बाहर निकलेगा ये निकलेगा बाहर एज एन एन ए पॉजिटिव, तो कितने सोडियम्स हैं, दो, तो एन ए पॉजिटिव, एन ए पॉजिटिव। सल्फर भी दो हमारे पास है, ठीक है, और ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा, तो तीन ऑक्सीजन एटम्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, सल्फर पे आएगा -1, इस वाले पे -1, तीन ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके गए, तो +3 उनकी वजह से आएगा, तो +3 -2, तो इस वाले केस में +1 होगा, ठीक है। दैट इज सिंपल, राइट। एनीवेज, इस एग्जांपल को आप छोड़िए, इस एग्जांपल को हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो
तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब डिफाइन हो चुकी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे डिफाइन करते हैं. दिस इज हाउ वी बेसिकली डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, राइट. सो अब हम वेरियस एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे जिनमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, ठीक है ना. चलिए बेटा देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल कंपाउंड से, विच इज़ HCl. देखिए दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, हाइड्रोजन का भी और क्लोरीन का भी. तो ज़रा इसमें बॉन्ड तोड़ दीजिए, इनको सेपरेट कर दीजिए, तो होगा क्या, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दोनों ले जाएगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. तो इस तरह से बनेगा ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. सो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इज़ इक्वल टू +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन यहाँ पर है -1, है ना. तो सिंपल है, ठीक. इसी तरह से आप ले लीजिए वाटर के एग्जांपल. वाटर के एग्जांपल मैं ऐसे बता सकता हूँ H2O. ओके, तोड़ दीजिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो -1 आएगा, ये वाला छोड़ के जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना. इस पे +1 और +1, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इन दिस केस -2, ठीक है, सिंपल. तीसरा आप एग्जांपल ले लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल. बताइए बेटा इस वाले में क्या होगा. अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे करेंगे इसमें. ऑक्सीजन अपना ये वाला बॉन्ड जब ऑक्सीजन तोड़ेगा ना, ये वाला बॉन्ड, तो उसकी वजह से -1 आएगा, और ये वाला बॉन्ड जब नीचे वाला तोड़ देगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है. सिमिलरली ये एक बॉन्ड तोड़ेगा -1 आ जाएगा, दूसरा भी तोड़ेगा तो -1. अच्छा, जब ये बॉन्ड टूटेगा पहला वाला, तो इस पे आएगा +1, और यहाँ से ये वाला टूटेगा तो +1. ओके, ये वाला टूटेगा तो +1, और ये वाला टूटेगा दूसरा वाला तो +1. तो टोटल कितना चार्ज हो गया बेटा, +4. सो इस वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +4, और ऑक्सीजन का तो आप देख लो, ऑक्सीजन का तो यहाँ पे -2 है. इस वाले का भी -2 टोटल में, इस वाले का भी -2 टोटल में, ठीक है ना. सिंपल है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है. सो याद रखोगे कि जब आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड होगा, इन ए कोवेलेंट कंपाउंड, जब आपको एक कोवेलेंट कंपाउंड दिया जाएगा, क्या करना है, असाइन असाइन करना है नेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको आप -1 दोगे, एंड +1 किसको दोगे, टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना. ठीक, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आप पॉजिटिव दे देना, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उसको आप नेगेटिव चार्ज दे देना, ठीक है ना. जैसे कि मैं बता दूँ H2SO4 की एग्जाम्पल कंसिडर करो बेटा, H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की. सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ से O, यहाँ से OH और यहाँ से OH. अब आप बताओ मुझे क्या आएगा. शाबाश, यहाँ पे बोलो हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए +1 और इसके लिए -1, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ही ले जाएगा ना. सिमिलरली यहाँ से भी, ठीक है. अब सल्फर का देखो, अभी आप देखो ऊपर देख चुके हो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो उसकी वजह से -1, और इस पे उसकी वजह से +1. ये वाला बॉन्ड टूटेगा -1 तो इस पे +1 फिर से. ओके, इसी तरह से ये एक बॉन्ड टूटेगा तो +1 आ जाएगा, इस पे -1, दूसरा टूटेगा तो -1 और +1, तो टोटल. और ये ऑक्सीजन जो है ना, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये -1 है, इसको दे देगा +1, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो -1 इस पे आ जाएगा +1, ठीक है ना. तो टोटल जितने भी पॉजिटिव्स आए काउंट कर लो, इट विल बी +6. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6. देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो उसकी वजह से +1, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो उसकी वजह से +1, हो गए 2+1. ये टूटेगा तो एक और +1, 3. ये टूटेगा एक और, हो गया 4. ये टूटेगा एक और, हो गया 5. ये टूटेगा एक और, हो गया 6. तो 6+, यानी H पॉजिटिव, कितने टोटल पॉजिटिव्स आए, 6 पॉजिटिव्स आए. तो इस वाले केस में सल्फर का होगा +6, ठीक है ना. अच्छा एक और चीज़ मुझे बताओ, इस वाले कंपाउंड में मुझे बताओ H2S में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए. तो H2S तो ये होता है. ओके सर, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इस पे आएगा +1, और सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, इस पे भी +1 और -1. तो टोटल हो गया चार्ज कितना,
माइनस टू, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज माइनस टू इन दिस केस, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इसी तरह से चलिए मुझे बताइए KMnO4 में मुझे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। देखो बेटा स्ट्रक्चर कैसे है, मैंगनीज O, यहाँ से भी O, यहाँ से भी O, और यहाँ से O और यहाँ से K, ओके। तो यू मे ट्राई इट सिंपल, ओके। तो कैसे करेंगे आप लोग, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन को दो बॉन्ड तोड़ने हैं, तो 2 - 2, ठीक है ना, इस वाले को भी यही करना है और इस वाले को भी यही, ठीक है। अब आप समझ चुके हो, तो अगर दो बॉन्ड तोड़ने, इसको -2, इस पे कितना जाएगा फिर +2, इस वाले ऑक्सीजन की तरफ से भी कितना जाएगा इसको +2, और इस वाले ऑक्सीजन की तरफ से भी कितना जाएगा +2। अब बचा ऊपर वाला ऑक्सीजन, वो तो एक ही बॉन्ड लेके आया है -1, तो इस पे +1, ठीक है ना, और इस वाले पे लास्ट पे +1, ठीक है, तो और इसकी वजह से इस पे -1। ज़रा बता क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के तोड़ने की वजह से 1 - 1 आएगा, और एक तो इस वाले की वजह से आएगा, इस वाले बॉन्ड की वजह से, तो ये हो गया +7, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज इक्वल टू +7, ठीक है ना। ये जो है ना बेटा, इट इज हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, सबसे ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट यही होती है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, लेट मी मेक इट वंस अगेन, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, और अगर आपको समझ आ गया है देन यू कैन स्किप, कोई इशू नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये दो बॉन्ड्स टूटेंगे, ऑक्सीजन ले जाएगा ना, तो -2 आएगा, और उसकी वजह से सल्फर पर, मैंगनीज पर कितना आएगा +2। ये दो बॉन्ड्स टूटेंगे तो ऑक्सीजन ले जाएगा, दो बॉन्ड्स -2, और उसकी वजह से आ जाएगा मैंगनीज पे +2। ये दो बॉन्ड्स टूटेंगे तो ऑक्सीजन ले जाएगा -2, और उसकी वजह से आएगा +2, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड है ना, ये एक ही बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पर आएगा -1, ये तो वही ले जाएगा, और इस वजह से मैंगनीज पर आएगा +1, है ना। अब ऑक्सीजन को यही वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना है, यहाँ से भी तो तोड़ना है, और पोटेशियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर आएगा +1, और ये बॉन्ड इसे मिलेगा तो -1, है ना। तो मैंगनीज पर हो गया टोटल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट क्लियरली, ठीक है। चलिए बेटा मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बहुत प्यारी सी एग्जाम्पल है, अच्छे से समझिएगा इस एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे कन्फ्लिक्ट अगर आपको होंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अ फॉस्फोरस, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4, इन H3PO3, इन H3PO2, इन तीनों में आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ठीक है ना। देखो बनाओगे कैसे, पहले आप स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मैं बना देता हूँ आपका, आपके लिए स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आई रिपीट, स्ट्रक्चर का मालूम होना नेसेसरी, ये है H3PO4, ओके। अब बनाते हैं दूसरा वाला आपके लिए, मैं बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो ये और यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया, ये H3PO3। अब तीसरा वाला देख लो, ठीक है, ये बस इनको सीखना है, याद करना है, थोड़ा देखना है कॉन्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बताओ ऑक्सीजन को दो बॉन्ड तोड़ने हैं, ये वाला और ये वाला, तो क्या आएगा -2, और उस वजह से फॉस्फोरस के पास क्या आ जाएगा +2। अब इस वाले ऑक्सीजन को देखो, इसको एक ही बॉन्ड तोड़ना है, तो खुद तो ये -1 आएगा, और इसको दे देगा +1। अच्छा ये वाला बॉन्ड देख लो, ऑक्सीजन को तोड़ना है तो -1 ले जाएगा, और इसको देगा +1। ये वाला बॉन्ड देख लो, ऑक्सीजन को तोड़ना है -1, तो इसको दे देगा +1। अब ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है, इसमें कोई शक नहीं है, हाइड्रोजन तो ले जा नहीं सकता, तो +1, और इस पे -1, ये वाला बॉन्ड, हाइड्रोजन को +1, इस पे -1, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन को +1, इस पे -1। याद है ना लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव मिलेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव मिलेगा। तो इस वाले केस में फॉस्फोरस पे चार्ज कैलकुलेट करो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 मिलाकर 5, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो गया इस वाले कंपाउंड के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो,
ये दो बॉन्ड्स तोड़ने हैं ऑक्सीजन को, तो -2 मिलेगा और फास्फोरस को मिलेगा +2। ये वाला बॉन्ड हमें बस फास्फोरस की ये करनी है कैलकुलेट, क्योंकि बाकी के तो हमें देखना नहीं, ये तो फास्फोरस बोल रहा है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन को आएगा -1 और इसको आएगा +1। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन को आएगा -1 और फास्फोरस को आएगा +1। अब ये वाला बॉन्ड देख लो बेटा, ये बड़ा खास बॉन्ड है। इस बॉन्ड में आपको देखना पड़ेगा, बॉन्ड में फास्फोरस है और हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस है। फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इस बार फास्फोरस को मिलेगा -1 और हाइड्रोजन को मिलेगा +1। ठीक है, तो देखो फास्फोरस पर कितना चार्ज आया, +1 लिखा हुआ है, +2 लिखा है, एक और +1 है ना, और ये -1 आ गया। ठीक है ना, तो 2 और 3 4, 4 और 1 5, 5 में से एक गया, तो अब देखो कितना आएगा, 2 1 3, 3 और 1 4, ओके 4 में से 1, तो +3 गया, +3 आया चार्ज। ठीक है, इसमें देख लो बेटा, ऑक्सीजन को 2 तोड़ने हैं तो -2 और इस पे +2। ठीक है, यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन पे -1 और इस पे +1। ठीक है, अब इसमें देखो फास्फोरस बॉन्ड ले जाएगा ये वाला, तो -1, और ये भी फास्फोरस ही ले जाएगा -1, तो इट विल बी +1 +2 -1 -2, तो +1 +2 -2, +2 -2 गया, तो +1। इस वाले केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फास्फोरस इस कंपाउंड में +5 दिखा रहा है, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इस वाले में +1 है, विच मीन्स दैट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है एक ही एलिमेंट की। सो ऐसी कोई टेंशन नहीं है अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही हैं। ठीक है ना, अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, दैट इज ए प्योर पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ अब हम आते हैं एक और चीज पे बेटा, देखो क्या है, अच्छे से समझिएगा बेटा। क्लोरीन की, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इन Cl2। Cl2 को जब हम देखेंगे ना तो ऐसे बनता है, यहाँ पे दोनों एटम्स इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों ही की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इक्वली टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ना तो इस पे चार्ज जाएगा ना तो इस पे चार्ज जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज इन दिस केस इज 0। ठीक है ना, इस तरह से नाइट्रोजन का भी बोलो आप, इन N2, सिंपल है सर, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड N है, तो जब बॉन्ड टूटेगा दोनों एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की, तो इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केस इज 0, है ना। इस तरह से ओ टू ऑक्सीजन का देख लो, ओ टू में फिर से 0 बनेगा। ठीक है, फॉस्फोरस का देख लो, पी फोर में, देखो फॉस्फोरस इन पी फोर, पी फोर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, पी फोर इज समथिंग लाइक दिस, ओके। ठीक, तो क्या फर्क पड़ता है यार, फॉस्फोरस हर जगह से अपने ही साथ लिंकड है, तो कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इक्वल डिवीजन होगा बॉन्ड्स का, तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट इज 0, तो याद रखना है। ठीक है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, या शॉर्टकट में डायटोमिक क्यों मैं कहूँ, जब भी कैटिनेशन होती है, कैटिनेशन याद है ना, सेल्फ लिंकेज, जब भी सेल्फ लिंकेज होती है, सेल्फ लिंकेज में क्या होता है, बोथ ऑफ देम विल गेट 0 ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों को 0 ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, उस टाइम पे किसी को कोई फायदा नहीं हासिल होगा। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं आगे, कुछ और कंपाउंड्स भी हैं हमारे पास, जैसे एग्जांपल है नाइट्रोजन का निकालो इन NO2, नाइट्रोजन का निकालो NO2 में। अभी ये तो सिंपल है, ये तो किसी को भी आएगा, नाइट्रोजन NO2 में, NO2 ऐसे है। ठीक है, ऑक्सीजन का फिर से बता देता हूँ, -2 तोड़ना है ना ऑक्सीजन का, -2, और नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन इस -2 की वजह से आएगा +2, इस वाले -2 की वजह से आएगा +2, तो यहाँ पे +4 हो गया, खत्म बात। ठीक है, फिर देखो कार्बन का निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कौन नहीं जानता है, ऐसे है, इसका -2, इसका -2 डबल बॉन्ड है ना, इसकी वजह से आएगा इस पे +2, इसकी वजह से भी आएगा +2, तो कार्बन का यहाँ पे +4 है ना, कार्बन का ही निकालो CCl4 में, सिंपल है सर, करना क्या है, CCl4 ही तो सिंपल तो कंपाउंड है CCl4। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो
क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये वाला टूटेगा तो क्लोरीन ले जाएगा, ये वाला टूटेगा तो क्लोरीन ले जाएगा, ये वाला टूटेगा तो क्लोरीन ले जाएगा। इसकी वजह से प्लस वन मिलेगा, इसकी वजह से भी प्लस वन मिलेगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, तो टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस फोर। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है ना। चलो इसमें बताओ मुझे, नाइट्रोजन इन NH3, NH3 में बताना। NH3 तो सर सिंपल है, कौन सी बड़ी बात है। NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को पॉजिटिव मिलेगा और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव मिलेगा, तीनों की वजह से माइनस वन। तो नाइट्रोजन का माइनस थ्री हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सी तो बात है। ओके अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। देर आर जितना आप एग्जाम्पल ज़्यादा लेते जाओगे उतना आप क्लियर होते जाओगे टॉपिक के बारे में, ठीक है। बस कैलकुलेशन सीख लो कि कैसे करते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताइए। आई एम सेइंग द क्वेश्चन, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मुझे बताइए इन Na2S4O6। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, अब इसका बताना है कैसे बताओगे वो इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूँ। Na2, ये Na है, दिस इज O, दिस इज S, देन देयर इज अ डबल बॉन्ड हेयर, डबल बॉन्ड हेयर, एस फोर है ना तीन, और ये ऐसे ओ, दिस इज ऐसे वाला ओ, ओ एंड देन इज ओ एन ए, ठीक है। ओके नाउ यू नीड टू शो यूअर अंडरस्टैंडिंग हेयर। अब बताओ सल्फर का देखना है, ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, माइनस टू, इस वाले के पास माइनस टू, इसकी वजह से माइनस टू माइनस टू, प्लस टू और प्लस टू, ठीक है। ओके सर ठीक, ये तो इस वाले का हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस टू, यहाँ पे भी माइनस टू, इस पर सीधा लिख देते हैं प्लस फोर आएगा, माइनस टू तो प्लस फोर है ना। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन जाएगा तो माइनस वन लेके जाएगा, लेकिन सल्फर को देगा प्लस वन, इस तरह से ये वाला जाएगा ना तो माइनस वन और सल्फर को देगा प्लस वन। सल्फर के सारे बॉन्ड तोड़ दिए, ये वाला तोड़ दिया, ये वाला भी तोड़ दिया, ये वाला भी तोड़ दिया, ये वाला भी तोड़ दिया, ठीक है। अब इस वाले सल्फर में देखो, ये सल्फर जो है ना ये यहाँ से दूसरे सल्फर के साथ लिंकड है, सेल्फ कैटिनेशन, तो चार्ज जीरो, यहाँ से भी दूसरे के साथ लिंकड है तो जीरो। ओके यही हाल इस वाले का भी है, सेल्फ कैटिनेशन, सेल्फ कैटिनेशन, जीरो, और ये बॉन्ड जब टूटेगा ना तो सेल्फ कैटिनेशन, तो इसकी वजह से जीरो आएगा, ठीक है। चले इस सल्फर का मुझे बताओ, टू और टू फोर, फोर और एक मिलाकर फाइव, प्लस फाइव, ओके सर। इस वाले सल्फर का मुझे बोलो बेटा जी जीरो, इस वाले का मुझे बोलो जीरो, और इस वाले का मुझे बोलो फाइव। देखो अगर मैं चार ऑप्शन आपको दूं ना इसमें और बताऊं क्या आएगा, तो आप बोलोगे चलो मैंने चार ऑप्शन दिए, फाइव कमा थ्री, मैंने बोला फाइव कमा फोर, मैंने बोला फाइव कमा जीरो, मैंने कहा फाइव कमा फाइव, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ठीक आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फाइव है दो की और दो की जीरो है, तो ऑप्शन तो यही आएगा फाइव या फिर जीरो, है ना, ये सिंपल है, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं एवरेज, तो सब का एवरेज निकालना है, प्लस फाइव, फिर दूसरे का जीरो, फिर जीरो, फिर फाइव, सर टोटल में चार हैं तो यहाँ पे तो आएगा फाइव बाई टू, ये एवरेज है, एवरेज है ना, तो एवरेज में प्लस फाइव बाई टू यानी प्लस टू पॉइंट फाइव आएगा। लेकिन अगर एवरेज नहीं पूछा है, सीधा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, एवरेज अगर पूछा है तो प्लस टू पॉइंट फाइव है, ठीक है ना। तो जब तक एवरेज ना निकालने को कहा जाए तब तक आप एवरेज खामोखा में निकालो ही मत, ठीक है, अदरवाइज आपके पास आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। ओके I guess you are understanding, right? Okay, now moving to some other problem. ठीक है, तो ये तो बड़ा interesting question निकला, इसमें भी आपको देखना है, तो there are chances that this you may get this one in your examinations, right? So चले एक और का निकालते हैं, मैं आपको कुछ और भी सिखाता हूँ चीज़ें जो बड़ी interesting सी चीज़ें हैं, आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। चलें बेटा अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। ओके मैं बोल रहा हूँ आपको, आप निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। ओके सर निकालते हैं सर, बस स्ट्रक्चर बता दीजिए। देखो यार स्ट्रक्चर रट के जाना है, स्ट्रक्चर का मैं कुछ नहीं कर सकता, स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं,
आप कॉपी बना रहे हो, स्ट्रक्चर को याद रख लो, कहानी ख़त्म। यहाँ से ओ, यहाँ से ओ, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से ओ, यहाँ से ओ, यहाँ से ओ, और ये भी यहाँ से डबल बॉन्ड, ठीक है। आगे Br3O6+2+8। हाँ जी, चलो बता, ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? याद होगा, अगर नहीं याद है तो रख लो याद, आज से FONClBr, कार्बन नाइट्रोजन, FONClBr कार्बन हाइड्रोजन और मेटल्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए सीरीज है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो देख लो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन तो कम है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बताओ क्या आएगा, बताओ मेरी जन क्या आएगा इस वाले केस में। हाँ जी बेटा, तो -2 इसकी वजह से, ठीक है, और इसकी वजह से -2, इसकी वजह से -2, तो इस पे आएगा +2+2+2, है ना, तो टोटल में बन जाएगा +6। ओके, यहाँ पे भी -2 -2। अच्छा अब बोलो, ये बॉन्ड टूटने की वजह से क्या आएगा? सर सेल्फ कैटिनेशन है तो टूटने की वजह से क्या आना चाहिए? 0। और इस वाले बॉन्ड की वजह से भी 0, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, उस ऑक्सीजन की वजह से +2, तो सर इस पे तो +4 है। ओके, और इस पे देखो -2 -2 -2, और ये वाले बॉन्ड की वजह से 0, तो सर ये तो +6 हो गया, ठीक है। तो अगर बेटा ऑप्शन 4 है, एक है 6,0, दूसरा ऑप्शन है 6,2, तीसरा ऑप्शन है 6,6, चौथा ऑप्शन है 2,2, तो कौन सा लिखोगे? या तो 6 है, 4 है, या 6 है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सेकंड 6,4, अगर 6,4 होगा, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो +6 +4 +6 डिवाइडेड बाई 3, तो अब देखो दैट विल बी इक्वल टू, 6 और 4 मिला करोगे 10, 10 और 6 16/3, दैट्स एवरेज, इनफैक्ट दैट्स नॉट द ट्रू ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है तो क्या मसला है, आप आराम से जो चाहो अच्छे से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का निकालो इन HO2F, ये वाला, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, HOOF है ना, तो बस ऑक्सीजन का -1, इसका +1, इस वाले ऑक्सीजन में। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये खास बात है, इन दोनों में से जब बॉन्ड टूटेगा ना, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के पास नेगेटिव आएगा और ऑक्सीजन के पास प्लस आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ही कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक जगह पे -1 दिखा रहा है, दूसरी जगह पे +1 दिखा रहा है, तो -1,+1 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाए तो -1+1/2, दैट इज 0। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड दिस वन इन योर एग्जामिनेशंस, राइट, दिस इज सिंपल। ओके, सो इसी तरह से मैं आपको एक और बोल रहा हूँ, आप निकालो ओ इन H2O2, H2O2 में सिंपल H2OOH2, ठीक है ना। यहाँ से टूटेगा तो -1, वहाँ से भी टूटेगा -1, तो +1+1, तो सर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी -1,-1, ठीक है। एवरेज पूछा जाए तो -1 ही आएगा, -1 -1/2, दैट्स -1। ओके, दैट्स सिंपल, राइट, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल 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 क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो एक और एग्जांपल भी है मेरे पास, विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। मैं इतने एग्जांपल्स क्यों दिखा रहा हूँ, जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। दिस वन इज कॉल्ड एज कारोज एसिड, ठीक है, कारोज एसिड, ठीक, कारोज एसिड इस तरह फॉर्मूला से H2SO5, ये है फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, HOS डबल बॉन्ड O इस साइड पे, डबल बॉन्ड O इस साइड पे, O और H, है ना। तो बस तोड़ते जाओ और बताते जाओ, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन से जुड़ा है तो -1, ये -2, ये -2, और ये माइनस, अरे माइनस कुछ नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 0 यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो ऑक्सीजन को मिलेगा -1, और इस चक्कर में सल्फर को मिलेगा +1। ओके सर, लिख लेते हैं, सल्फर को +1 मिला। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला, तो ऑक्सीजन को मिला -2 और सल्फर को मिलेगा +2, हो गया सर, ठीक है, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। अब ऊपर वाला टूटेगा -2, तो उसकी वजह से आएगा +2। अब ये वाला जब टूटेगा, सल्फर का, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को मिलेगा -1 और सल्फर को मिलेगा +1,
तो क्या हो गया, दो दो चार पाँच और एक छः प्लस सिक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस सिक्स, ठीक है, इस वाले सल्फर का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले सल्फर का, ठीक। अच्छा तो इस वाले ऑक्सीजन का क्या आएगा, जीरो, किसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, और अगर ये तोड़ोगे तो माइनस वन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन स्टेट सल्फ, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो माइनस टू है या माइनस वन है या जीरो है, तीन तीन स्टेट्स हैं यहाँ पे। देखो एवरेज बोलूँ तो क्या आएगा, माइनस टू माइनस वन प्लस जीरो डिवाइड बाई थ्री, तो इट विल बी माइनस फोर बाई थ्री एवरेज ये है। ओके ये बहुत कैन से सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट कंपाउंड भी है, ठीक है। एक और है मेरे पास, क्रोमियम का अगर आपको निकालना है इन इन सपोज क्रोमियम का निकालना है इन CrO5, CrO5, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, काम आप कर लो, CrO को ऐसे करके, ओ ऐसे करके, ठीक है ना, ओ ऐसे करके, ओ ऐसे देन ऐसे, ठीक है। बताओ इसका आएगा क्या आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, ये बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ऑक्सीजन को मिलेगा प्लस वन और क्रोमियम को मिलेगा प्लस वन, माइनस वन मिलेगा ऑक्सीजन को। अब ये इस ऑक्सीजन का देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो इसका, इसकी वजह से इसको मिलेगा माइनस वन और इस वाले को एक और प्लस वन। ओके अब ऑक्सीजन के पास खाली यही बॉन्ड नहीं था ना, ये वाला भी था, तो इसको भी तोड़ो, लेकिन ये सेल्फ कैटिनेशन में है तो जीरो, और इस वजह से इसको भी जीरो। सेम हाल यहाँ पे भी, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो तो माइनस वन, इस वाले को तोड़ो तो जीरो, इस वाले को तोड़ो तो माइनस वन, इस वाले को तोड़ो जीरो। तो क्रोमियम का माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन सब की वजह से प्लस वन मिलेगा और क्रोमियम का टोटल में हो जाएगा प्लस फोर, ठीक है। लेकिन मुझे बता सकते हो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे यहाँ पे, देखो कितने सारे थे यहाँ पे, इस वाले को माइनस टू मिलेगा ऑब्वियसली, तो एक का माइनस टू आया, बाकियों का माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है ना, जीरो भी आया, हाँ ठीक है। तो अगर ऑप्शन होता माइनस वन माइनस टू वन और जीरो, यही करेक्ट होता, लेकिन एवरेज में क्या होगा, एवरेज होगा माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन, एक दो तीन चार डिवाइडेड बाय पाँच, ठीक है ना, तो कर लेते तो माइनस सिक्स बाई फाइव आ जाता है, ठीक है। आई होप कि इतनी एग्जाम्पल्स के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका स्ट्रक्चर है। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है कंपाउंड का, नेवर एंड नेवर डू एनी अदर मेथड, स्ट्रक्चर बेस्ट है, स्ट्रक्चर बस याद कर लो, बात खत्म। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे कंपाउंड्स में 90% कंपाउंड्स में आप मान के चलो कि लोग स्ट्रक्चर के बिना भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और वो है कि फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल शो यू कि फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं, पांच आठ एग्जांपल्स उसमें करेंगे, देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर, ओके। सो ये तो समझ आया ना स्ट्रक्चर से कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर से कैसे करते हैं। अब फॉर्मूला से दिखाते हैं, ठीक है, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या आप कह लो ऑक्सीडेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है ना। अगर फार्मूला से निकालना चाहते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो आपको कुछ दो चार रूल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, लेट मी राइट देम वन बाय वन। फर्स्ट रूल आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, एल्कली मेटल्स, उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस वन। एल्कली मेटल सर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, सब का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जानते हो ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस टू। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है ना, इन सब का प्लस टू होता है, ठीक, ये याद रख लो। तीसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस वन होता है, ऑलवेज। ऐसा सर क्यों, क्योंकि बेटा दुनिया का कोई भी एलिमेंट फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकता, कुछ भी कर लो, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकता, क्योंकि ये दुनिया का
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। फोर्थ रूल, ठीक है, एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट, अगर कोई एटम एलिमेंटल स्टेट में है, हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। कोई भी एटम जो एलिमेंटल स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। सर ये मैं समझा नहीं, समझाता हूँ बेटा। जो इंडिविजुअल एटम होगा, इंडिविजुअल मतलब अलग, जैसे कि क्लोरीन का देख लो Cl2 में, बोला था ना कैटिनेशन जहाँ पे होगी। ब्रोमीन का देख लो Br2 में, ठीक है, सेल्फ लिंकेज, ठीक है। सल्फर का देख लो किस में, S8 में, ठीक है ना। इसी तरह से फॉस्फोरस का देख लो P4 में, बता चुका हूँ। ऑक्सीजन का देख लो O2 में, ठीक है, डायजरे सब में जीरो आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, बॉन्ड तोड़ेंगे तो इक्वली डिवाइड होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, देखो यार इस पे पंगा हो जाता है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस पे मसला हो जाता है। ऑक्सीजन ज़्यादातर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। आई विल से यू 99% केसेस में ऐसा ही होगा, लेकिन बेटा -1 भी दिखाता है जहाँ पे परऑक्साइड होगा। मैं डिस्कस करूँगा जहाँ पे परऑक्साइड होगा, और कभी कभी तो हद ही हो जाती है। ऑक्सीजन +1 भी दिखाता है, याद है कंपाउंड HOOF बोले तो नहीं हो ना। इस वाले ऑक्सीजन का देख लो, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसे माइनस मिलेगा और ऑक्सीजन को प्लस मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये रेयर 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 रेयरेस्ट अमंग रेयर केस है, ठीक है। इस तरह से -1 भी दिखाता है, ठीक है। -1 जैसे K2O में, -1/2, हाँ K2O में, ठीक है। लेकिन ये भी है, ये भी रेयर रेयर एंड रेयरेस्ट रेयरेस्ट अमंग रेयर केस है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रेयर, ऐसा देखने को नहीं मिलता है यूजुअली, ठीक है। तो ऑक्सीजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में ये फैक्ट्स आप याद कर लो पहले, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद, फिफ्थ रूल हो गया, अब आते हैं छठे वाले रूल पे, ठीक है। रूल नंबर 6, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा हैलोजन्स की, हैलोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 जनरली, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है, -1 होती है उनकी, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब की होती है -1। एक्सेप्ट, इसकी भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स मतलब जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तब ये -1 ज़रूरी नहीं है। लेकिन फ्लोरीन का हमेशा -1 है, ठीक है। खैर वो एग्जाम्पल्स हम अलग देखेंगे, उनकी भी एग्जाम्पल्स आएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके, अब रूल नंबर 7, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो हम बता चुके हैं, ठीक है ना, इनके बगैर, जिनका मैंने जिक्र किया, जिनका मैंने बोला, इनके बगैर सब की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, मतलब चेंज होती रहती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आएगा ना, आपको बोलेंगे उन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ठीक है। सब की वेरिएबल, इनको छोड़ के सब की वेरिएबल है, ठीक है। चले अब हम आते हैं बेटा जी एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। कुछ 10-15 एग्जाम्पल निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। ओके चले, ठीक। पहला एग्जाम्पल O(NH2O), H2O में ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, समझ लो, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, देख यार H2O है ना, हाइड्रोजन का कितना होगा +1, ठीक है। ऑक्सीजन का तुम्हें नहीं पता तो X लिख लो, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन स्टेट, X प्लस हाइड्रोजन का कितना, एक का कितना होता है +1, और ऐसे करके कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे पास। और टोटल चार्ज क्या है कंपाउंड पे, टोटल चार्ज 0 है। क्या करना होता है ना कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, प्लस करके 0 आना चाहिए, ठीक है। इसका x, हाइड्रोजन का एक होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये आएगा x +2 इज 0, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -2, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का -2 है, ठीक है। कार्बन का देख लो इन CCl4, देखो भाई सिंपल है, CCl4 में CCl4, कार्बन का नहीं पता है x लिख लो। क्लोरीन का पता है, अभी बताया मैंने, हैलोजन्स का -1 होता है, ठीक है। तो कार्बन का x प्लस हैलोजन का -1, और ऐसे करके कितने हैलोजन्स हैं, 4 हैं, तो टोटल में कितना 0, तो x -4 इज 0, तो x इज इक्वल टू +4, दिखाया भी था कैसे,
सल्फर का देख लो, SO3 में कैसे करोगे बेटा? SO3 सल्फर का नहीं पता है, एक्स ऑक्सीजन का बोला -2, तो एक्स प्लस 3 टाइम्स -2 है ना, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, दैट इज टोटल 0, तो एक्स -6 इज 0, तो एक्स इज इक्वल टू +6। ओके बताते जाओ, सल्फर का बोलो इन H2S, सर निकाल लेंगे, कौन सा मुश्किल है, H2S सल्फर का नहीं पता, एक्स लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो सर एक्स +2 टाइम्स +1 दैट इज 0, तो एक्स इज इक्वल टू -2, बिल्कुल मैथ लग रहा है, ठीक है। ओके अब कुछ और एग्जांपल्स देख लो, देखते जाओ बेटा, नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का देखो, पांचवी एग्जांपल, नाइट्रोजन का देखो इन NO3 नेगेटिव। ओके ये अच्छी एग्जांपल है, नाइट्रोजन का नहीं पता तो एक्स लिख लो, ऑक्सीजन का पता होता है -2 है, तो एक्स +3 टाइम्स -2, 3 है ना, और इज इक्वल टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इस बार कितना है -1, तो एक्स -6 इज -1, तो एक्स इक्वल टू -1 +6 दैट इज +5, मैंने बोला ना टोटल चार्ज लिखना है। एक और एग्जांपल देख लो बेटा, क्लोरीन की निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट इन ClO4 नेगेटिव, सर कौन सा मुश्किल है, हम तो निकाल लेंगे, क्लोरीन का एक्स है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो एक्स +4 टाइम्स -2 दैट इज -1, एक्स +8, एक्स -8 दैट इज -1, तो एक्स इज इक्वल टू -1 + 8, तो सर एक्स इज इक्वल टू +7, सबसे ज्यादा क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 है इस वाले कंपाउंड में, ठीक है ना। ओके सर एक और एग्जांपल, पोटेशियम का देखते हैं सर KMnO4 में। ओके देख लो बेटा कौन सा बड़ा मसला है, KMnO4 में देख सकते हो, है ना, कोई खास बात नहीं है, पोटेशियम का पता नहीं सर, एक्स होता है, मैंगनीज का सर देखना पड़ेगा ना, मैंगनीज का क्या होता है, मैंगनीज का सर निकाल चुके हैं आप, +7 होता है, एग्जाम्पल दी थी, हाँ, तो ऑक्सीजन का होता है -1 -2, तो एक्स +7 + 4 टाइम्स -2 दैट इज इक्वल टू 0, एक्स +7 - 8 दैट इज 0, ओके सर समझ आया, तो +1 है। ओके दैट सिंपल 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 केमिस्ट्री, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चल रही है, तो एक्सेप्शंस का आना लाजिम है, ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है कि एक्सेप्शंस आ रहे हैं। सल्फर का निकालो H2SO4, सल्फर का नहीं पता X, तो इसका -2, हाइड्रोजन का +1, सर लिख लेते हैं 2 टाइम्स +1 +X +4 टाइम्स -2 इक्वल टोटल चार्ज 0, तो 2 + X - 8 इक्वल टू 0, X - 6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6, यस सर X इक्वल टू +6। फॉस्फोरस का निकालना है PCl3 में। ओके अब आप बोल रहे होंगे कि सर थक गए, फॉस्फोरस का एक्स है, क्लोरीन का -1 है, हैलोजन का होता है ना -1, एक्स +3 टाइम्स -1 दैट 0, एक्स इक्वल टू +3, ओके सर ठीक है। इस तरह से फॉस्फोरस का निकाल लो इन H3PO2। ओके सर फॉस्फोरस का एक्स है, ऑक्सीजन का -2 है, एच का +1 है, तो 3 टाइम्स +1 +X + 2 टाइम्स -2 दैट इज 0, तो सर एक्स इज इक्वल टू +1। ओके सिंपल, कोई खास बात नहीं। अच्छा वो K2O का बोला था ना मैंने, K2O, ओके K2O ऑक्सीजन का निकालना है, पोटेशियम एल्केली मेटल है तो 1 होगा ना, K2O पोटेशियम का 1, सर ऑक्सीजन का नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, 2 टाइम्स +1 +X = 0, ठीक है ना, तो क्या आएगा, X = -2, यहाँ पे -2 दिखा रहा है, ठीक है। ओके दिस इज जरा KO2 में निकालो, आई गेस इसका एक्स है और इसका -2 है ना, अच्छा इसका एक्स है, सॉरी सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, पोटेशियम का देखो KO2 है ना, पोटेशियम का निकालते हैं +1 होता है, ऑक्सीजन का एक्स है, तो +1 2 टाइम्स X है ना इक्वल टू 0, हाँ 2X = -X = -1/2, तो मैंने वहाँ पे गलत आपको बोला K2O नहीं KO2 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 इज कॉल्ड एज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बेटा, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ओके एक और है, सल्फर का निकालना है इन H2S4O6, बताओ H2S4O6 सल्फर का मान लीजिए X है। ओके
ऑक्सीजन का माइनस टू सबको पता, हाइड्रोजन का प्लस वन सबको पता, तो प्लस वन दो बार प्लस वन प्लस चार बार एक्स है ना फोर सल्फर प्लस दो बार छः बार माइनस टू दैट इज ज़ीरो, तो टू प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व दैट इज ज़ीरो, फोर एक्स माइनस टेन दैट इज ज़ीरो, तो फोर एक्स इक्वल टू टेन, तो एक्स इक्वल टू टेन बाई फोर दैट इज 2.5. अब यहां पे क्या निकला ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकला ना फ्रैक्शनल, मतलब नंबर नहीं निकला, इंटीजर नहीं निकला। आपको पता है इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब आपको बहुत ये ना समझना पड़ेगा, थोड़ा गौर कर लो इस बात पे, इसका मतलब क्या है, है ना। चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ बेटा। एफ ई का भी निकालना है तुम लोगों को, एफ ई ओ में भी निकालना, एफ ई टू ओ थ्री में भी निकालना, एफ ई थ्री ओ फोर में भी निकालना, ठीक है। पी बी लेड का भी निकालना है आपको, पी बी थ्री ओ फोर में, ठीक है, ये होमवर्क्स हैं। ब्रोमीन का निकालना है इन बी आर थ्री ओ एट, वैसे ये बी आर थ्री ओ एट वाली एग्जांपल की थी, याद है तीन ब्रोमीन आए थे, सिक्स फोर सिक्स आ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, एक ब्रोमीन का सिक्स, दूसरे का फोर, तीसरे का सिक्स, रिमेंबर ओके। अच्छा देखो यार, बी आर थ्री ओ एट है ना, ब्रोमीन का निकालना है तो इसका एक्स, ऑक्सीजन का माइनस टू है ना, हाँ माइनस टू, तो थ्री टाइम्स एक्स माइनस एट टाइम्स टू प्लस एट टाइम्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन दैट इज ज़ीरो, थ्री एक्स इक्वल टू सिक्सटीन, एक्स इक्वल टू सिक्सटीन बाई थ्री, और इन तीनों का एवरेज निकालो, सिक्स फोर सिक्स बाई थ्री दैट इज सिक्सटीन बाई थ्री। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो मेथड है ना फॉर्मूला वाला मेथड, इससे आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पता चलता है। असली ऑक्सीडेशन नंबर तो खाली आपको स्ट्रक्चर से ही पता चलता है, ठीक है। ओके नाउ मूविंग टू आवर लास्ट लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। देखो बेटा, मैं निकालूंगा लेड का, मैं निकालूंगा एन पी बी थ्री ओ फोर है ना। देखो क्या आएगा, लेड का नहीं पता है तो x, ऑक्सीजन का पता है तो माइनस टू, तो x थ्री टाइम्स x फोर टाइम्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू एट बाई थ्री, एक्स इक्वल टू एट बाई, ये एवरेज है ना। देखो असल में क्या है, ये असल में ये कंपाउंड कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, पी बी ओ पी बी टू ओ थ्री, मतलब दो तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और अगर आप स्ट्रक्चर के लिहाज से बनाओगे ना, तो इसका प्लस टू होगा क्योंकि ऑक्सीजन का तो माइनस टू होगा ना, इसका प्लस टू होगा, और इसका होगा प्लस थ्री और प्लस थ्री दोनों का, ठीक है। तो देखो एवरेज निकालो, तो इट विल बी अगेन, ठीक है ना, एट बाई थ्री। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फार्मूला से आपको क्या मिलता है, फार्मूला से आपको मिलता है, ओके फार्मूला से आपको मिलता है, हाँ एवरेज मिल जाता है, ठीक है ना। देखो बेटा अब ये एग्जाम्पल्स देख लो, ये एग्जाम्पल आप होमवर्क कर लो। सल्फर का देखो, चलो यहीं पे करते हैं x, इसका प्लस वन इसका माइनस टू, तो टू इंटू वन प्लस एक्स प्लस टू इंटू ओके फाइव इंटू माइनस टू दैट इज ज़ीरो, और x का निकालो यहाँ पे एट आएगा वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, वो हो सकता है प्लस सिक्स, नहीं पता, चलो याद रख लो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रुप नंबर माइनस टेन। सल्फर किस ग्रुप नंबर में, 16 में, माइनस टेन कर लो तो प्लस सिक्स, मैक्सिमम आएगा प्लस सिक्स, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आया हमें माइनस एट, तो गड़बड़ है ना। मतलब ये कि ये एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन क्यों है ये, इसका अगर आप एच टू एस ओ फाइव दिखाया था, स्ट्रक्चर से निकालना है असल में। जब ऐसा कहीं जगह पे हो ना कि आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो वो मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। नाइट्रोजन एच एन ओ थ्री, पहले बताओ मैक्सिमम कितना कैलकुलेट कर हो सकता है। नाइट्रोजन 70 14th ग्रुप में है, माइनस 10, तो सर मैक्सिमम तो 4 ही दिखा सकता है, इससे आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एच एन ओ थ्री में देख लो, एच एन ओ थ्री नहीं, एच एन ओ फोर में देख लो, एच एन ओ फोर में नाइट्रोजन का x, हाइड्रोजन का प्लस वन, ऑक्सीजन का माइनस टू, वन प्लस एक्स प्लस फोर टाइम्स माइनस टू दैट इज ज़ीरो, तो x माइनस
फाइव दैट इज ज़ीरो, तो x इक्वल टू फोर टू आर एट और एक वन हो गया तो सेवन, सेवन आएगा ये, तो x यहाँ पे प्लस सेवन आएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना है फोर, अरे नहीं नाइट्रोजन पंद्रहवें ग्रुप में है, फिफ्टीन, फिफ्टीन में मैक्सिमम प्लस फाइव है और लेकिन क्या दिखा रहा है सेवन, तो यहाँ भी नहीं चलेगा, आपको वापिस जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। लास्ट क्रोमियम की देख लो, सी आर ओ फाइव में मैक्सिमम कितना है क्रोमियम का, मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अच्छा ठीक है यहाँ से निकालो क्रोमियम का एक्स और यहाँ से माइनस टू, एक्स प्लस फाइव टाइम्स माइनस टू दैट इज टेन, दैट इज ज़ीरो, एक्स इक्वल टू टेन, टेन है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन क्या क्रोमियम का टेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं ना, ये सी आर ओ फाइव कारोज एसिड है और कारोज एसिड में आप देखोगे तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कारोज एसिड का, मैंने बोला था कितना होता है कारोज एसिड का, कारोज एसिड का जब बनाया था तो माइनस सिक्स बाई फाइव आया था, तो मतलब यहाँ भी गलत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर जानते हो ना, ठीक है ना, तो फॉर्मूला पे मत जाओ, ठीक है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपको रियल ऑक्सीडेशन नंबर देता है, ठीक है। फॉर्मूला वाला मेथड बहुत कम एप्लीकेबल है, बहुत कम जगह पे, ज़्यादातर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आई एम क्लोजिंग डाउन द लेक्चर with best wishes from my side, right? We'll be coming up with next lecture, जिसमें हम सीखेंगे balance कैसे करते हैं redox reaction को. Till then, fi amanillah, right?